नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका यश कुमार मिस्टर ट्रूडल के यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ डेराबसी के लिए भी, कैसे हम डेराबसी में अपना घर बना सकते हैं बहुत ही इजी इंस्टॉलमेंट पर, और कैसे हम पैसा बचा सकते हैं अपना घर बनाते हुए भी, हमें अपने घर बनाते हुए क्या क्या सावधानी बरतनी। सबसे पहले हम आते हैं भी घर बनाना चाहिए डेराबसी के अंदर कौन सी लोकेशन के अंदर, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर। आपको सबसे पहले अपना बजट सेलेक्ट करना है। अगर आपका बजट 22 से 25 लाख के बीच है तो आप भांकरपुर एरिया, मतलब अगर बोले तो मुबारकपुर कैंट एरिया के साइड। अगर आपका बजट 25 से 30 लाख का है तो बरवाला रोड। अगर आपका बजट 10 से 15 लाख के बीच का है तो आप लालू या दप्पर का एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो सारे बजट थे ये प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग थे, पर अगर हम डेराबसी के अंदर अपना बना हुआ घर देखते हैं, वो घर हमें तकरीबन लगभग 40-45 या 35 लाख या 50 लाख या 60 लाख का मिलता है, काफ़ी अलग अलग एरिया पर, काफ़ी अलग अलग लोकेशन पर। अब हम बताएंगे आपको भी कैसा आप अपना पैसा बचा सकते हैं घर बनाते हुए, या आपने कैसे सेव करने हैं पैसे। सबसे पहले अगर आपका बजट 30 लाख है और आप चाहते हैं आपका अपना घर जो हो मुबारकपुर कैंट जोन के अंदर हो, तो वहां पर भी एक हमारा प्रोजेक्ट है जहां पर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर आपको जो 100 गज का प्लॉट है मात्र 23 लाख रुपये में, अगर घर बनाने की बात करें तो 10 से 12 लाख रुपये ऊपर लगता है, मतलब 35 लाख रुपये में आपका खुद घर बन जाता है, खुद आप आराम से अपना घर बना सकते हैं 35 लाख के बीच में। पर अगर वहीं पर आप अपना बना बनाया घर देखते हैं तो आपको लगभग 50 से 60 लाख का मिलता है, क्योंकि वहां पर जो है बिल्डर या जो डेवलपर है काफ़ी अपना मार्जिन भी रखते हैं। इसके अलावा कई अन्य लोकेशन भी डिपेंड करती हैं भी किस किस लोकेशन पर कहां पर कैसा प्राइस चल रहा है। अगर फोकल पॉइंट उसी रोड के ऊपर आगे चलकर हम फोकल पॉइंट एरिया की बात करें तो वहां पर जो नॉर्मल प्लॉटिंग का प्राइस है वो 20,000 रुपये गज के आसपास है, पर आपको वहाँ पर 100 गज का घर 2.5 मंजिल बना हुआ 60 लाख के राउंड अबाउट मिलता है, या अगर 100 गज का इंडिपेंडेंट हाउस आपको 40 लाख का मिलता है। अगर वही उसी लोकेशन पर आप फोकल पॉइंट के एरिया के अंदर आप 20,000 रुपये गज को प्लॉट लेते हैं, 10-12 लाख रुपये आप अपना लगाते हैं, तो 32 लाख रुपये में आपको इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाता है। यही डेराबसी बरवाला रोड की बात करें, यहाँ पर आपको 100 गज का घर 45 से 55 लाख का मिलता है बना बनाया, पर अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की बात करें आपको जो 100 गज का प्लॉट है मात्र 30 लाख का मिलेगा, और 12 लाख रुपए ऊपर लगाकर आप 42 लाख रुपए में अपना बरवाला हाईवे के ऊपर घर बना सकते हैं। वहीं उसी रोड की इंटरनली बात करें तो वहां पर जो प्लॉटिंग का प्राइस इस समय चल रहा है 22 से 23 हज़ार रुपये का चल रहा है, पर उसी लोकेशन पर हमारे पास एक प्लॉट पड़ा भी हुआ है जिसकी वीडियो हमने 1-2 दिन पहले डाली है, वहां पर आपको जो 100 गज का प्लॉट मिलता है मात्र 17.5 लाख रुपये में, अगर 12 से 13 लाख रुपये ऊपर हम लगाते हैं तो 30 लाख रुपये में हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर अपना वहां पर भी घर बना सकते हैं, मतलब हर जगह जो हमारा घर का बजट आ रहा है वो 30 लाख के आसपास ही आ रहा है। अब इसी तरह हम लालडू या डेराबसी की बात करें, वहाँ पर जो 100 गज का प्लॉट है दप्पर एरिया के अंदर हमें 10,000 रुपये गज के हिसाब से 100 गज का प्लॉट 10 लाख का, और 10 से 12 लाख रुपये अगर हम ऊपर लगाते हैं तो 100 गज का हमें बना बनाया घर 22 या 21 लाख का मिल जाता है लगभग, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट भी अलग आती है, लेबर की कॉस्ट भी अलग आती है। वहीं पर अगर दप्पर में हम बना बनाया घर लेते हैं 100 गज का तो हमें 26 या 27 लाख रुपये का पड़ता है। अगर हम लालडू एरिया की बात करें, लालडू एरिया के अंदर हमारे पास काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस हैं दो, एक सोसाइटी का जो रेट है तकरीबन 11.5 से 12 हज़ार रुपये गज, और दूसरी सोसाइटी का रेट मैंने वीडियो 2 से 3 दिन पहले डाली है, उसका रेट है 95,000 रुपये गज आपके लिए, पर जो डेवलपर हमें लैंडिंग दे रहा है वो 10,000 रुपये गज लैंडिंग दे रहा है, हम उसमें से डिस्काउंट करके आपके रजिस्ट्री में भी पैसे बचा देंगे। अगर वहाँ पर आप अपना घर बनाते हैं तो आपको 24 से 25 लाख रुपये का अपना इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाता है 22 से 25 लाख रुपये का अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर। अगर हम फार्म हाउस की बात करें, फार्म हाउस इस समय चल रहे हैं लालडू के अंदर काफ़ी हाई स्पीड पर, वहाँ पर फार्म हाउस बन रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अगर हमारा बजट 50 से 60 लाख के बीच का है तो हम वहाँ पर एक कनाल लैंड खरीद कर, एक कनाल ज़मीन खरीद कर अपना इंडिपेंडेंट फार्म हाउस बना सकते हैं, जो कि पूरा ग्रीन जोन एरिया के अंदर होगा और इंडस्ट्री से काफ़ी दूर होगा, पीसफुल एरिया होगा। वहाँ पर आपको जो ये एक कनाल का फार्म हाउस मात्र 50 से 60 लाख रुपये का मिल जाता है। अगर आपको फार्म हाउस बनाने के लिए, कोठी या घर बनाने के लिए कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, आपको प्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम आपका हर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर 70 से 80% प्लॉट के ऊपर लोन और 80 से 90% लोन बिल्डअप पर करवा देंगे। अगर आपने अपने और पैसे बचाने हैं ये घर बनाते हुए, तो आप जो ये रजिस्ट्री अपने घरवाली के नाम पर करा सकते हैं, और आपका जो रजिस्ट्री कराने का खर्चा आएगा मात्र 6% आएगा। अगर हम लेडीज़ के नाम पर रजिस्ट्री कराते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही हमें तब मिलता है जब हम रजिस्ट्री लेडीज़ के नाम पर कराते हैं, या अपने बच्चों के नाम पर, या अपनी बेटी के नाम पर, या अपनी माताश्री के नाम पर हम रजिस्ट्री करवाते हैं। मतलब अगर हम अपनी लड़की, अपनी वाइफ और अपनी
माता श्री के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं तो हमें अफोर्डेबल हाउसिंग के स्कीम के अंदर 2% का एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है रजिस्ट्री कराते हुए, जो कि हमें काफ़ी वीडियो में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। पर आपको अभी अगर आपने 5-6 लाख आपके पास पड़े हुए हैं या आपके पास 2-4 लाख रुपये पड़ा हुआ, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आप किराए पे घर पर रह रहे हैं, आप किराए के घर से अपना छुटकारा चाहते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी डेरा बसी एरिया एक्सप्लोर करना चाहिए। और आज की डेट में अगर मानकर चले चंडीगढ़, जीरकपुर, खरड़ या मोहाली के एरिया में नॉर्मल इंडिपेंडेंट घर का जो किराया है वो भी 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ है, आपको क्या करना है, वो किराया देने की बजाय एक ईएमआई देनी चाहिए अपना घर बनाने के लिए। 10 से 15 साल के अंदर आपका घर खुद का हो जाएगा। और आपको सबसे पहले मैं इस चीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब लोग मेरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बस मैं इस चीज़ से आपसे एक रुष्ट हूँ क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो देखकर आप मात्र चले जाते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आपको डाल रहा हूँ इसी तरीके के लिए है, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और किस किस एरिया में क्या क्या रेट अभी चल रहा है, एक वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सारा एरिया बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आई बटन के अंदर मेरा लालडू और आई बटन के अंदर मेरा बांकरपुर एरिया, या हम मुबारकपुर कैंट के एरिया की बात करें या हम फोकलपुर एरिया की बात करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या आई बटन के अंदर आपको सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ज़रूर जाकर वो सारी वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई एडिशनल डिस्काउंट भी चाहिए, प्लीज़ आइए हमारे पास, पैसा कहीं फंसाने की बजाय, पैसा कोई फ्लैट खरीदने की बजाय या पैसा कोई वेस्ट करने के बजाय हम कहीं अच्छे काम पर लगाते हैं अपना घर बनाने के लिए। प्लीज़ आइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। मैं आपका यश कुमार इसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है 9780810090 पर कॉन्टैक्ट कीजिए और मुझे इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद।